उत्तर प्रदेश के जनरल मुख्यालय बरेली से है, जहां जिला अध्यक्ष कांग्रेस जिला कमेटी बरेली मिर्जा अशफाक सकलैनी ने आज एसडीएम सदर को जेई व नीट की परीक्षा न कराने को लेकर माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने मांग की है बढ़ते कोरोना को देखते हुए जेई नीट की परीक्षा न कराई जाए। आइए जानेंगे क्या कुछ कहा जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष ने। देखिए, हम शिक्षा विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने इस कोविड-19 बीमारी के चलते भी छात्रों का हित न देखते हुए उन्होंने नीट की परीक्षा और जेई की परीक्षा की तिथियां घोषित कर दी। ये छात्र हित में नहीं, ये छात्र विरोधी सरकार, जहां एक तरफ पूरा देश कोविड-19 इस महामारी की आपदा के समय में ऐसे संकट से गुजर रहा, लेकिन भारत की सरकार, हिटलर शाही सरकार, ये फरमान जारी कर दिया कि आपको जेई और नीट की परीक्षा आपको देना। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा इस कोविड-19 के चलते तमाम छात्रों की तैयारियां अधूरी, छात्र हमारी तैयारी नहीं कर पाए। छात्र को हित को देखते हुए कांग्रेस पार्टी की महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी जी के आह्वान पर तमाम उत्तर प्रदेश के जनपदों में तमाम कांग्रेस के साथी इस नीट की परीक्षा को रद्द कराने के लिए हमारी मांग है और इसके लिए हम आज ज्ञापन सौंपने यहाँ आए। हमारी मांग है कि छात्रों को हित को देखा जाए। ये हिटलर शाही सरकार छात्रों का शोषण करना बंद करे, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विपक्ष की भूमिका कहीं ना कहीं कमजोर करने का काम किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये सोचना चाहिए कि विपक्ष भी सरकार में टीका टिप्पणी करने के लिए आधिकारिक तरीके से अपना रूप रखता है। आज किसके लिए हम इसी संदर्भ में मांग है हमारी, हम ज्ञापन देने आए महामहिम राष्ट्रपति जी को, जो नीट की परीक्षाएं तिथियां घोषित की हैं तत्काल प्रभाव से उनको रद्द किया जाए और जो छात्रों को पूरा मौका मिलना चाहिए तैयारी करने के लिए, क्योंकि कोविड-19 के चलते तैयारी नहीं हो पाई थी, इसी संदर्भ में आज परीक्षा रद्द हो, इसके लिए हम मांग करने यहाँ पर आए। क्या मांग को लेकर आए हैं? मैं कांग्रेस पार्टी के शिक्षक, जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 दुनिया में तबाही मचाए हुए हैं और ऐसे कोरोना काल में जो परीक्षाएं हो रही हैं, अभी कई दिनों में बीएड की परीक्षा कराई गई थी, लगभग 4.5 लाख छात्र उसमें बैठे थे, तो परीक्षा के बाद में लगभग कानपुर से लगभग 80 कैंडिडेट को जो है कोरोना पॉजिटिव आया। इन सब चीज़ों के मद्देनजर रखते हुए हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने ये मांग की और उसके माध्यम से आज ये ज्ञापन दिया गया कि ये जो परीक्षाएं हैं, या तो ये परीक्षाएं थोड़ी सी आगे बढ़ाई जाए जिससे कि छात्रों की तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई है। साथ साथ ये परीक्षाएं हम चाहते हैं कि छात्रों के हित की बात ये है कि परीक्षा होना चाहिए, ताकि उनका जेईई की और खासतौर से नीट की परीक्षा को लेकर ये दिया गया है, इम्पोर्टेंट परीक्षा है दोनों ही और केंद्र के द्वारा ये संचालित की जाती है, परीक्षा होना चाहिए, लेकिन परीक्षा कराने के लिए समय देना चाहिए। और साथ साथ अगर प्रॉब्लम ये है कि जैसे चल रहा है आजकल बेबी पैक चल रहा है, लॉकडाउन का बेबी पैक, सैटरडे संडे जो है क्लोज रहता है और उन्हीं संडे सैटरडे में ही ये परीक्षाएं होती हैं, सारे मार्केट बंद होते हैं, होटल बंद होते हैं, पेरेंट्स 100 किलोमीटर की दूरी, 150 किलोमीटर की दूरी से आते हैं अपने बच्चों को लेकर, क्योंकि बच्चों को अकेले भेजा नहीं जा सकता, उनका पेरेंट्स आते तो उनके ना बैठने का कोई इंतजाम होता है, ना उन्हें लाने का कोई इंतजाम होता है, ना उनके लिए खाने पीने की कोई व्यवस्था होती है, वो भूखे प्यासे रहते हैं, बहुत ज़्यादा त्राही बरेली में हमने देखी। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते या तो कोविड-19 का पीरियड निकले इसके बाद में परीक्षा कराया जाए, और ऐसा नहीं हो पाता है और कोविड कंट्रोल नहीं हो पाता है जल्दी, तो इसका सबसे अच्छा सलूशन यह है कि इस परीक्षा को ऑनलाइन करा सकते हैं, ऑनलाइन कराएं, बच्चे ऑनलाइन परीक्षा देंगे, बहुत सारी परीक्षाएं ऑनलाइन हो रही है। तो ये हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेश का ही पालन करते हैं कि परीक्षाएं नहीं रुकी जा सकती, बच्चों करियर से नहीं खिलवा सकते, हम बिल्कुल मानते हैं ये बात एक टाइम ये सही है, लेकिन इस परीक्षा को तरीका सही से होना चाहिए, ये हमारी मांग है। परीक्षा कराएं तो हम जो सुविधाएं दें, आज किस ज्ञापन है, आज अभी राष्ट्रपति जी को संबोधन ज्ञापन जो एसडीएम साहब को तहसील पर आज हम लोग देने के लिए आए थे, और आज सिर्फ बरेली में नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के सभी तहसीलों पर या हेडक्वार्टर पर ये ज्ञापन दिया गया, और हमारी ये मांग है, हमारा कोई ऐसा नहीं कि हम किसी अहित में काम कर रहे हैं, देश हित में काम कर रहे हैं, हम सरकार के सामने लगातार होना चाहिए इस बीमारी से बचने के लिए, इस परीक्षा को कराएं तो या तो समय आगे बढ़ाएं या फिर इसे ऑनलाइन कराएं।